हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं भाई जेवर से आपको खुशामदीद कहता हूं। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त अपनी कॉलोनी में हूं। तो व्यूअर्स, आज आपके साथ जो शेयर करने वाला हूं, और थंबनेल में आपने देखा कि एक बार फिर इन वर्ड्स की वजह की एक किस्म का जो क्या कहूँ मैं, जो बिजनेस है वर्ड्स का, एक राज करने वाला है। क्योंकि व्यूअर्स, इस वक्त आपने यही तक तो सुना होगा कि ब्लैक विंग बजेस इस वक्त मार्केट में इसका क्या प्राइस है, और प्राइस के क्या बात के आजकल किसी को मिल भी नहीं रहा। मैं तकरीबन खुद एक महीने से कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह मुझे ब्लैक विंग बजेस मिल जाए, और फिर ब्लैक विंग के बाद ब्लैक फेस के जो बजेस हैं, और इस तरह जो मुकम्मल ब्लैक हैं, इनकी कीमत का आपको पता चल चुका होगा कि इस वक्त मार्केट में इसका क्या प्राइस चल रहा है। तो व्यूअर्स, ये ब्लैक विंग बजेस किस तरह बने, ये इस तरह कॉलोनी में बन गया है जिनके साथ हर किस्म के बजेस हैं, और उनके क्रॉसिंग से इस तरह का एक ब्लैक विंग या ब्लैक फेस बजेस ओरिजिनेटेड हो चुका है, और इसकी कीमत का आपको पता चल चुका है। तो इसका मतलब कि एक बार फिर बजेस का एक किस्म का राज आने वाला है। अब व्यूअर्स, असल जो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ जो शायद आप किसी ने बताया, इस वक्त बजेस पर जितना ज़्यादा एक किस्म का टाइम दिया जा रहा है उनको, इनसे ब्रीड का, तो अब जो वर्क चल रहा है बजेस पर, जो सबसे कीमती बर्ड शायद फिर वो हो, वो क्या है व्यूअर्स, कि वो ये है कि अब जो ब्लैक विंग है या ब्लैक फेस है, अब ब्रीडर्स कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह उन ब्लैक फेस या ब्लैक विंग्स जो बजेस हैं उनमें रेडाइज आ जाए। तो व्यूअर्स, जब ये प्रोड्यूस हो जाए तो फिर मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह कि इसका क्या कीमत होगी। अभी एक बड़े ब्रीडर ने एक चैनल पर यही बात किया है कि वो कह रहा है कि अगर ये प्रोड्यूस हुआ, यानी ब्लैक फेस या ब्लैक विंग का या मुकम्मल जो ब्लैक है, एक रेड आइज़ का बजेस प्रोड्यूस हुआ, तो शायद वो आपको 7-8 लाख में उनका फेयर मिल जाए शायद, क्योंकि अभी इस पर बहुत ज़्यादा एक किस्म का वर्क चल रहा है। क्योंकि व्यूअर्स, ये जो रेड आइस है जो आप इस वक्त नॉर्मल देख रहे हैं, ये भी पहले नहीं थे, सिर्फ एक जो वेल्ड है जो ग्रीन कलर का है वो एक बजे था, और आपने देखा कि क्या क्या उनसे प्रोड्यूस है। अब ब्लैक फेस या ब्लैक विंग में जो रेड आइस है उस पर वर्क चल रहा है, अगर यही प्रोड्यूस हुआ तो फिर आप देख लेंगे कि इसका क्या कीमत है। तो व्यूअर्स, वीडियो का मकसद यह है कि बजेस को बिल्कुल उन पर पाँव मत लगाइए, एक दौर आने वाला है इसका। अब एक तो आ चुका है, आप देख रहे हैं कि किसी को मिल नहीं रहा, 60K 70K तक जो पेयर है ब्लैक विंग का, वो किसी को मिल नहीं रहा। तो अब जब इनका रेडाइज में आ जाए तो फिर आप देख लेंगे। तो कोशिश करें कि इस तरह कॉलोनी बनाएं, हर किस्म के बजेस उनमें रख लें, शायद एक दो बच्चे आपको भी इस तरह मिल जाए कि वो ब्लैक विंग का हो, और बाकी आप खुद भी उस पर काम कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम आप भी एक ब्लैक विंग या ब्लैक फेस का एक ब्रीडर बने। तो अगर आपके साथ जिस तरह मेरे साथ ये रेड आइस का कॉलोनी है तकरीबन 60-70 पेयर्स का, अब अगर यही कॉलोनी मेरे साथ ब्लैक विंग या ब्लैक फेस का बन जाए तो फिर क्या होगी। और शायद अभी तो अक्सर लोग इस वजह से बजेस जो कीमती बर्ड्स हैं वो नहीं ले रहे हैं कि इनके पेयर कीमत डाउन होंगे, तो मैं आपको लेके देता हूँ कि ये जो ब्लैक फेस या ब्लैक विंग है ना, ये कम से कम 5 सालों तक इसकी जो कीमत है बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती। क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में ये बिल्कुल हाई ही नहीं, इस तरह नज़दीकी हमारी कंट्रीज़ में ये बिल्कुल अपने खुद इनके कोई ब्रीडर्स हाई ही नहीं है इस वक्त, बस चंद होंगे, उनके साथ ही महदूद स्टॉक होंगे, वो सेल नहीं करेंगे सिर्फ चेक सम। अब जब इस मतलब इस सीज़न में किसी के साथ कुछ पेयर्स है ब्लैक विंग के या ब्लैक फेस के, अब उसने चेक्स दिए, तो इस सीज़न में तो बिल्कुल नामुमकिन है कि वो पेयर उनसे ब्रीड ले, क्योंकि इतना सीज़न नहीं है, मतलब अगले सीज़न तक, मतलब एक साल, यही तो आपको कन्फर्म है ना कि इस एक साल में तो बिल्कुल इनकी कीमत कम नहीं सकती। और अक्सर इस तरह होता है, आप देख लें, सर्च कर लें, आपको अंदाज़ा होगा अगर आप एक बर्ड ब्रीडर हो कि एक बर्ड का जो कीमत है, जो कीमत है, अब लो बर्ड आप देख सकते हैं कि कम से कम 5-6 सालों तक उनकी जो कीमत है बरकरार होती है। तो 5-6 साल अगर आपके साथ इस तरह के कोई बर्ड मिलें और 5-6 सालों तक आप उनसे ब्रीड लें, तो शौक के साथ साथ आप खुद उनसे बिजनेस भी कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और रिक्वेस्ट है लास्ट में कि बजेस को बहुत ज़्यादा बुरा भला मत कहना, क्योंकि उनका एक राज आने वाला है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।